नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एपिसोड तीसरा है। पहले और दूसरे एपिसोड में हमने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को डिस्कस किया है और तीसरे एपिसोड में हम मार्च महीने के करंट अफेयर को डिस्कस करने से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा जहां पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है वहां पर आप इस क्लास का उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 5 पदक जीते। 5 पदकों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा पदक कितनी संख्या में रहा। इसमें 2 स्वर्ण तो आए ही थे, ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद करिए। एक था सुमित कुमार का, मेरठ के सुमित कुमार ने इसमें गोल्ड जीता था 97 किलोग्राम वर्ग में, और दूसरा था विजय कुमार का, ये भी मेरठ के ही है। तो ये 2 गोल्ड इसमें आए थे। 2 गोल्ड के साथ में यहां पर 2 रजत आए थे और 1 कांस्य आया था। 5 इसमें टोटल आए थे। तो एक तो सुमित कुमार और दूसरा इसमें विजय कुमार, इन दोनों का गोल्ड है इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। और सुमित कुमार का जो यहां पर वर्ग है वो 97 किलोग्राम का है और विजय कुमार का जो वर्ग है वो 61 किलोग्राम का वर्ग है। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित होने वाले ताज महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? 20 से 29 मार्च को आयोजित हुआ। आगरा जो ताजमहल है वहीं पर इसका आयोजन होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, ये इसकी इस बार की विषय वस्तु या इस बार की थीम थी। और इसमें का शिल्प संस्कृति का प्रदर्शन होता है तो वो इस बार भी किया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, इसको पहले इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। ये जब यहाँ पे सपा की सरकार थी उस समय विकसित किया गया था। इसमें इन्होंने 2रे कार्यकाल की शपथ ली 25 मार्च को, दोनों बातें सही हैं। वह उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री हैं, ये सही है, और वह लगातार 2रा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 3रे मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लगातार 2रा कार्यकाल जीतकर मुख्यमंत्री बने। शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कराई, तो ये बिल्कुल सही है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में 34 राज्य मंत्री और 18 जो है कैबिनेट मंत्रियों ने, कैबिनेट मिनिस्टर 18 और 34 जो है स्टेट मिनिस्टर्स ने साथ में शपथ ली थी। गलत ये वाला स्टेटमेंट है। कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अलग चीज है, लेकिन लगातार 2 बार रहने का अभी पहली बार योगी आदित्यनाथ ने ही कायम किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रोगियों में बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मृत का बहुत बड़ा कारण बनता है। हर साल बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं और मृत्यु होती है उनकी। इसकी जब जांच की जाती है तो इसमें टिश्यू बायोप्सी होती है। टिश्यू बायोप्सी बहुत ही दर्दनाक होती है, काफी दर्द इसमें होता है। अभी बीएचयू के डॉक्टर्स ने, बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसको निकाला है एक विधि जिसके अंतर्गत बहुत आसानी से बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर पता लगाया जा सकेगा। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में 2022 में जो हुआ 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता है। पूछा जा रहा है कि ये कहां के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? तो ये एक है किसान के बेटे और इनका गांव का नाम है कलिना, कलिना गांव के ये रहने वाले हैं और कलिना आपका पड़ता है मेरठ में। सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ये गांव पड़ता है कलिना, वहीं के रहने वाले हैं। 10 मीटर में जीता है और ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोफेसर दीपक धर बोर्ड्समैन पदक के सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। दूसरा है कि प्रोफेसर दीपक धर IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं और ये पुरस्कार सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट ये सही है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये पुरस्कार है ये हर 3 साल पे दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का जो आयोजन है वाराणसी में किया गया, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। अब इसमें 2 ऑप्शन है, तुलसी घाट या 80 घाट। तो ये आयोजन 2 मार्च 2022 से, तिथि भी हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तुलसी घाट पर 5 दिनों के लिए किया गया था। 5 दिनों के लिए ये आयोजन हुआ था, 2 से 6 मार्च तक वाराणसी के तुलसी घाट पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बार 48वीं बार ये आयोजित हुआ था। इसका आयोजन जो है महाराजा बनारस
विद्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन 5 दिनों के लिए किया जाता है। और जो ध्रुपद मेला है, अगर आपसे एक लाइन पूछा जाए ये कैसा उत्सव है या क्या है, तो एक संगीत उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश काडर के किस अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन हुआ करते थे? इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया अभी तक हुआ करते थे। सुभाष चंद्र खुटिया को रिप्लेस करके देवाशीष पांडे, जो कि 1987 बैच के आईएएस हैं, इनको बनाया गया है। और ये यूपी काडर के हैं। यूपी काडर के होने के कारण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में हम इसको पढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन है और अगर उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया जा रहा है तो आप समझते हैं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोगों की कहीं संख्या है, प्रदेश स्तर पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेगी। 73वां अधिवेशन है, उत्तर प्रदेश में 27 सालों के बाद हो रहा है, इस कारण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में ये हुआ। इससे पहले 1994 में इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। तो प्रयागराज में 27 सालों के बाद ये आयोजन किया गया है। इसके पहले प्रयागराज में ये 1994 में हुआ था, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में ये 27 सालों के बाद आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने वाले 300 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का नाम क्या रखा जाएगा? उत्तराखंड गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करें कि किसकी कहां सरकार है, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इन तीनों ने मिलकर ये 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कब तक, तो 2027 का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे अंडरपास बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे, जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी। टोटल खर्चा जो है 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आएगा। और ये जो बनेगा इसका नाम रखा जाएगा गोमती एक्सप्रेसवे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोमती नदी यहां पर बहती है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी बहती है, सुल्तानपुर में भी बहती है, तो इसका नाम यह रखा जाएगा। किस घाट को नमो घाट के नाम से जाना जाएगा? नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, हमारे देश के पीएम तो हैं ही, वाराणसी से वो सांसद हैं। वहां पर एक घाट पड़ता है खिड़किया घाट, इसका नाम बदल करके अब नमो घाट कर दिया जाएगा, नमो घाट। और यहां पर इनकी 75 फीट ऊंची एक नमस्कार मुद्रा की तस्वीर वो लगाई जाएगी, आकृति लगाई जाएगी। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वाराणसी में हुआ पुतुल उत्सव का आयोजन किस घाट पर किया गया? पुतुल उत्सव संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित है, वाराणसी में हुआ, यहां तक तो क्लियर है। 80 घाट, नमो घाट, मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट, कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो ये जो आयोजन हुआ है पुतुल उत्सव का, ये 80 घाट पर किया गया है। 80 घाट एक मूवी भी है और 80 घाट मूवी बनी है एक नॉवेल पे, और ये नॉवेल जो है काशी का 80, काशीनाथ सिंह का है, काशी का 80, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो काशी का 80 ये काशीनाथ सिंह का ये नॉवेल है, आप पढ़ सकते हैं। और इस पर मूवी भी बनी है जिसमें सनी देओल ने अच्छे से एक्टिंग की है, काफी अच्छी, पंडित जी उसमें। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से फरवरी की जारी रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर यूपी का रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। टॉप इसमें जो किया है वो वाराणसी ने किया है, कानपुर तो टॉप 10 में भी नहीं आया है, टॉप 10 से बाहर हो गया है, इसकी रैंक 11th रही है। टॉप 10 में अगर यूपी के आपसे कब सिटी पूछ लिए जाए कि कौन कौन से हैं, तो वाराणसी ने तो टॉप किया है, फर्स्ट स्थान पर ये रहा है, और दूसरे नंबर पर यहां पर रहा है लखनऊ, ये सेकंड, यूपी में देखेंगे तो ये सेकंड ये रहा है। और आगरा जो है, आगरा तीसरे नंबर पर रहा है, यहां पर दिया नहीं है, आगरा तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन टॉप जो किया है वो वाराणसी किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की किस शहर की रैंकिंग शीर्ष रही है ये याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार? खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर अरुण शुक्ला को, आईआईटी कानपुर के ये प्रोफेसर हैं। और जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना कार्य व मॉड्यूलेशन क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया है, इस कारण से इनको दिया गया है।
और IIT में ये बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग में ये चेयर प्रोफेसर मतलब ये प्रोफेसर है इस समय। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, क्या ये सही है? निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि गुजरात लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर रहा, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात रहा है, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है क्या वो द्वितीय रहा है, और कर्नाटक को इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि पहले स्थान पर तो गुजरात रहा है फर्स्ट, सेकेंड पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें रहा है महाराष्ट्र, सेकेंड पे महाराष्ट्र, और थर्ड स्थान पर यह कर्नाटक रहा है। तो ये बातें तो सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो स्थान रहा है वो सिक्स्थ स्थान रहा है, द्वितीय स्थान नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का स्थान आपसे पूछा जा सकता है तो यूपी का ये छठा स्थान रहा है, ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में ये आयोजन हुआ और उसी में सरोद वादक हैं अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है? सरोद वादन से, तो सरोद वादक हैं ये, सरोद वादन से इनका संबंध है, इनको दिया गया है। और ये जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं इनका संबंध किससे, जिनके नाम पे ये पुरस्कार है, तो बांसुरी वादन से, इनका संबंध किससे है? बांसुरी वादन से। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है यूपी को। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार प्रदान किया गया? यूपी का स्टेट लेवल में देखा जाए तो प्रथम स्थान है, सेकंड स्थान पर कौन सा रहा है? राजस्थान रहा है। तीसरे पे कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु रहा है, यानी कि फर्स्ट पे यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद तमिलनाडु। ये तो रैंकिंग हो गई स्टेट की, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जिसको सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार भी मिला है तो वह है मुजफ्फरनगर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2022 की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार है। राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया गया, नलिनी अस्थाना को कला क्षेत्र में, जो राधेश्याम खेमका है इनको मरणोपरांत दिया गया है और कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि मरणोपरांत इनको लोगों को दिया गया है, ये जिंदा नहीं है, मरणोपरांत। तो ये पूछा जाता है कि किसको मरणोपरांत दिया गया, नलिनी अस्थाना को कला के क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन इनको पद्म विभूषण नहीं पद्मश्री दिया गया है। और डॉक्टर कमला कर त्रिपाठी को चिकित्सा के क्षेत्र में, इनको पद्मश्री दिया गया है। तो नलिनी अस्थाना को ये ध्यान रखना है आपको कि ये गलत दिया है। तो राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह को मरणोपरांत, साहित्य और शिक्षा, और दूसरा सार्वजनिक मामले, इनको कल्याण सिंह को सार्वजनिक मामलों के उसमें दिया गया है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर बात की जाए तो भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण की ही बारी आती है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और उसके बाद में पद्मश्री, ये ऐसे क्रम है। और ये राशिद खान को कला के क्षेत्र में और वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। तो दो लोग ये और फिर चार ये हो गए, और उसके बाद में आपके 10 लोग और हैं, जिसमें से नलिनी अस्थाना, सीसराम, सेठपाल सिंह, श्री सुश्री बिंदु सिंह जो है विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद, अजय कुमार सोनकर, अजीता श्रीवास्तव, कमलाकर त्रिपाठी और शिवनाथ मिश्रा, इन लोगों को पद्मश्री दिया गया है। सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने, किस क्रम के 23वें अध्यक्ष बने, ये 18वीं विधानसभा है लेकिन अध्यक्ष का क्रम इनका देखा जाए 23वां है। वो कितनी बार विधानसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं? सतीश महाना कानपुर की नगर की जो महाराजपुर सीट है वहां से ये MLA चुने गए हैं, विधायक बन के वहां से आए हैं। और इस बार इनका अगर देखा जाए तो कौन सा टर्म है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 8वीं बार ये सदस्य चुने गए, यानी कि 8वीं बार इन्होंने चुनाव जीता है, 8वीं बार, और ये 8वीं बार विधायक चुने गए हैं और 18वीं विधानसभा के ये क्या है, ये उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो विधानसभा के 23वें वैसे अध्यक्ष हैं लेकिन विधानसभा 18वीं है, और ये 8 बार विधायक बन चुके हैं, इस बार को जोड़ा जाए।
योगी जो पहली गवर्नमेंट थी ये तो योगी 2.0 आ गई, इसमें औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओम्बड्समैन ऐप या लोकपाल ऐप विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के किस में किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा इसको, ये लेखपाल जो ऐप है इसको जारी किया गया है, तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। विभिन्न योजनाएं जिसमें मनरेगा है, वहां पे अगर कोई शिकायत आप करेंगे, रिपोर्ट होगा कुछ, तो उसके आधार पर, इस ऐप के आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं, आपकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी और इसमें आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे ये प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले दो एपिसोड को भी आप जरूर देखिए, यूपी करंट अफेयर आईएएस प्रेप साथ आप सर्च करिए, यूपी करंट अफेयर आईएएस प्रेस, फरवरी करंट अफेयर आईएएस प्रेप, मार्च करंट अफेयर आईएएस प्रेप करके आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, आप इसको देखते रहिए। जल्द ही हम पूरा 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम आपका रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आपका एक भी सवाल उत्तर प्रदेश या अन्य कोई करंट अफेयर से गलत ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप पर जा सकते हैं, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप हमारा है, या हमें मैसेज कर सकते हैं 6307281212 पर।